नमस्कार, कैसे हैं? आज की क्लास में हम पर्यावरण को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। पर्यावरण जानते तो हम सब हैं, लेकिन एक विशेष तौर पर आप पर्यावरण कहते किसे हैं? क्योंकि एक तो होता है शब्द जो कि एनवायरनमेंट का नाम लेते ही सब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गए, लेकिन इनके जो मुख्य तथ्य हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। छोटा सा टॉपिक लगता है कि एनवायरनमेंट बोलने में या पर्यावरण, और यह जो टॉपिक है आपको बड़े बड़े जो कंपटीशन में आता है और बहुत ही अंदर जा कर के पर्सन को पूछ लेता है, और वहाँ हम घूम जाते हैं, और घूमने का कारण यही है कि हमने उसको अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं किया। बस यही कारण रहता है, बाकी आपका सिलेबस का मैटर होता है। चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पर्यावरण विषय जो है इतना विस्तृत है कि जिसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए फिर भी हम बात करते हैं, और जैसे जैसे इस पे प्रश्न बनते जाएंगे, चाहे इस पे कितने भी वीडियो बने, हम बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो पर्यावरण को लेकर के हम बात करेंगे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण जिसको आप एनवायरनमेंट कहते हैं, इसके बारे में पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब इंग्लिश में आप बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब ये जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति, किसकी, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति की अगर आप बात करोगे तो किस भाषा से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द। कौन सा है? फ्रेंच। ये फ्रेंच शब्द, अब फ्रेंच शब्द कौन सा है, उससे फ्रेंच शब्द से इस किसकी एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को आप हिंदी में क्या बोलते हो, पर्यावरण, इसकी उत्पत्ति हुई है। और वह है शब्द है एन किससे हुई है, एनवायरोनेर से। और ये एनवायरोनेर कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। बस अब आपको इतना सा समझने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो एनवायरोनेर शब्द जो है फ्रेंच भाषा का, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसका अर्थ होता है पड़ोस। अब आप समझ गए होंगे क्या होता है इसका मतलब पड़ोस। अब आपके भैया पड़ोस में जो भी है, आपके पड़ोस में जो भी है, वो सब मिलकर के क्या बनाता है, पर्यावरण। अब इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, जो आपके चारों तरफ है, जो भी है, जीव भी है, अजीव भी है, जो भी है वो सब मिलकर क्या बनाता है, पर्यावरण। तो आपको यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि आपके जो आसपास है, चारों तरफ है, जो पड़ोस में है, वो पर्यावरण बनाता है, उसी को आप पर्यावरण कहोगे। अब यह आता है कि हमारे जीवन का अगर मूल आधार है तो क्या है, हमारे जीवन का, हमारा जो जीवन है इसका मूल आधार क्या है, क्या है इसका मूल आधार, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए, क्या चाहिए, हवा चाहिए। पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी पीने के लिए हमें क्या चाहिए, जल चाहिए, क्या चाहिए, जल चाहिए। खाने के लिए हमें क्या चाहिए, खाने के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और रहने के लिए क्या चाहिए, भूमि, रहने के लिए हमें क्या चाहिए, भूमि। देखो
लेकिन ये सब कौन प्रदान करता है? ये सब करता है पर्यावरण। इसलिए मूल जो हमारा हमारे जीवन का जो मूल आधार है, हमारे जीवन का जो मूल आधार है वो क्या हुआ? पर्यावरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पर्यावरण में निरंतर बदलाव हो रहे हैं और क्यों होते हैं? अगर इसमें हम बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और देखने के बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनसे संबंधित हम प्रश्न करते 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 चले जाएंगे। इसलिए कहा था कि वीडियो चाहे से एक पार्ट में बने, दो में बने, दस में बने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा, आप लोग भी जानते हैं, बदल रहा है हम भी जानते हैं, बदलाव हो रहा है किसमें? पर्यावरण में। क्यों होता है, किस कारणों से होता है? तो ये होता है जो हमारी जो जरूरत होती है, हमारी जो आवश्यकता होती है, हमारी जो जरूरत होती है या आवश्यकता होती है के कारण, ये कारण किसमें बदलाव हो रहा है? पर्यावरण। किसमें हो रहा है? पर्यावरण में। अब इसमें जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है तो इसमें परिवर्तन कर रहा है कौन? कर रहा है मानव, कर रहा है। तो मानव क्या है कि मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कैसे कर रहा है? अब ये भी आपको जानना कि कैसे कर रहा है। ये तो पता है कि हमें हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के कारण हम पर्यावरण को बदलते रहते हैं, परिवर्तन लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अवांछनीय करते रहते हैं जिससे पर्यावरण का हास भी होता है, कई बार तो नष्ट भी कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो यहां बात आती है कि मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ तो हो गया है कि भाई हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके कारण से इसमें पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। अब ये पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर रहा है? पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर रहा है? कौन कर रहा है? मानव। किसमें कर रहा है? प्राकृतिक पर्यावरण में। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। कैसे कैसे कर रहा है? मान लीजिए कि उसने बनाई कार, कार से क्या निकलता है? धुआं। क्या निकलता है? धुआं। और धुआं से क्या होता है? वायु। क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है। होती है या नहीं होती है? होती है ना। कोई उद्योग लगा रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, उस इंडस्ट्री से क्या निकलता है? धुआं। और धुआं कहां जाती है? वायु में। वायु को आवश्यकता ही नहीं है किसी अन्य चीजें उसमें जाकर के मिले। अगर उसमें अन्य चीजें जाकर के जो प्रकृति की जो वायु है उसमें अपन अवांछनीय परिवर्तन कर रहे हैं वही प्रदूषण है। तो उस वायु को आवश्यकता ही नहीं है उस धुआं की, लेकिन वो उस वायु में मिल रही है तो वो क्या कर रही है? वायु प्रदूषित हो रही है। किस कारण से हो रही है? कार से निकला या इंडस्ट्री से निकला धुआं जो है वो किसमें मिलता है? वायु में मिलता है। और वायु उससे क्या होती है? प्रदूषित होती है। ठीक है, तो अवांछनीय हम परिवर्तन कर रहे हैं। अब पानी है, पानी को हम पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना, पानी को पात्र में इकट्ठा कर रहे हैं, चलता रहता है। खाना है या भोजन है को बर्तन में हम रखते हैं। भूमि पर कारखानों का हम निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन निरंतर करते जा रहे हैं। अगर हम पर्यावरण की परिभाषा दें
तो आपको ये देखना है कि जैसे हमने ये बात तो कर ली कि पर्यावरण का मतलब होता है पड़ोस, आपके पड़ोस में जो भी हैं यानी कि जो जीवित प्राणी है उसके चारों ओर जो पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं और प्रकृति है, बस ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं, पर्यावरण बनाती हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहेंगे हम, पर्यावरण। क्या क्या कहेंगे हम, पर्यावरण कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये परिभाषा है। और क्योंकि आपको जब ये चीजें जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको परिभाषा पता होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि पर्यावरण आप किसे कह रहे हैं। क्योंकि जब परिभाषा समझ में आ जाएगी फिर उसके घटक भी आपको आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीजें दी जाती हैं, वो सारी चीजें एक लाइन में या दो लाइन में बता दी जाती है कि जिसको आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपको कहाँ केंद्रित करती हैं। क्योंकि आप पर्यावरण को पढ़ रहे हैं तो आप पर्यावरण को पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण का अर्थ आप समझोगे, और अर्थ समझने के बाद में उसके घटक समझ में आएंगे, और जब ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे, जैसे ही इनमें से प्रश्न उठते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे इसको समझ के क्यों हमें पढ़ना चाहिए। अब जरूरी है, अब आगे चलते हैं कि एक है कि पर्यावरण, यह जो प्राकृतिक और या एवं पर्यावरण जो है यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यह आपको ध्यान रखना है, ये जो पर्यावरण है ये प्राकृतिक प्राकृतिक एवं मानवीय या मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन भी है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन भी है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि जहां आपके सामने प्रस्तुत हुआ कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का निम्न में से मिश्रण है। अब इसमें से क्या है, जैसे लिख दिया पर्यावरण, तो भैया ये तो है ही। दूसरा लिख दिया संस्कृति, ये मानव से है। तीसरा लिख दिया धर्म, और चार नंबर पे लिख दिया कोई नहीं, यह उपरोक्त सभी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका एक प्रश्न बन जाता है, इसलिए आप उस लाइन को बड़े ढंग से समझें और पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो परिघटनाओं का मिश्रण है क्या कहलाता है, पर्यावरण, पर्यावरण है। अब यहां जो बात करोगे कि एक तो है मानव निर्मित और एक है प्राकृतिक पर्यावरण, तो यहाँ अगर आप बात, क्योंकि ये जो पर्यावरण का जो विषय है काफी विस्तार है, इसमें काफी बड़ा है ये, तो इसको कैसे इसको हम समझ लें। तो यहाँ अगर प्राकृतिक पर्यावरण की हम बात करते हैं तो इसमें कौन शामिल होंगे, एक मानव निर्मित होगा, तो प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय एवं अजीवीय, जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखना। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न आप खुद बनाइए, नोट्स बना लीजिए, प्रश्न खुद बना लीजिए। अब दूसरा है मानवीय पर्यावरण,
मानवीय पर्यावरण। अब इसमें क्या शामिल होगा, तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मानवीय पर्यावरण में मानव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, ठीक है, वो इसमें सम्मिलित होंगी। जैसे मानव की परस्पर क्रिया, मानव की परस्पर क्रिया ये इसमें शामिल होगी, मानव से संबंधित है। उनकी गतिविधियां, जिसकी मानव की, यानी कि उनकी गतिविधियां, जो भी गतिविधियां वो करता है, ठीक है, इस प्रकार की करता है, समुदाय की करता है, धर्म की करता है, समाज की करता है, जैसे भी, और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं या वस्तुएं, बनाई गई रचनाएं, ये सब किसमें शामिल होंगी, ये सब होंगी मानवीय पर्यावरण में शामिल होंगी। तो यहां आपने दो भाग देखे कि पर्यावरण से संबंधित है प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव पर्यावरण। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक को लेकर के। अब आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि किसी भी परीक्षाओं में, चाहे से आप बड़ी से बड़ी परीक्षा तक जाओगे, तो आपको एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं और वो यहीं से ही निकल करके बाहर आते हैं। इसलिए अब आपको पढ़ना और देखना बहुत जरूरी है। अगर हम पर्यावरण के घटकों की बात करते हैं, यहां आपको ध्यान रखना है पर्यावरण के घटक। अब इनमें बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से पर्यावरण का घटक है या नहीं है, और किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है या मानव से संबंधित है, मानव निर्मित संबंधित है या सामाजिक सांस्कृतिक है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से काफी उठते हैं। अब इनको आगे आगे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो इसका विस्तार से और इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जहां जितने प्रश्न निकलते हैं उनको साथ साथ हम करते चले जाएंगे। उसके लिए हम अलग से नहीं बनाए, जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे हम यही बात करेंगे, जितने भी होंगे प्रश्न, जितने बन सकते हैं उनको हम बनाएंगे। तो यहां जो बात आती है कि पर्यावरण के घटक अब कौन कौन से हैं, यहां अगर हम बात करते हैं, एक तो प्राकृतिक हैपनिंग है ना, प्राकृतिक घटक। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होगा, मानव निर्मित, कौन सा, मानव निर्मित, और एक मानव से, मानव स्वयं से संबंधित, तो मानव की गतिविधियां आ गई। अब प्राकृतिक में कौन कौन से होंगे, प्रकृति के साथ में जुड़े हुए कौन से होंगे, जल, वायु, स्थल और जीव, अर्थात जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, ठीक है, ये कौन से घटक हो गए, इसके प्राकृतिक घटक हो गए। अब मानव निर्मित कौन कौन से, मानव निर्मित में आप बात करें, यानी कि मानव ने जो भी बनाया है, मानव के द्वारा जो भी बनाया गया है वो मानव निर्मित है। अगर मानव ने जो बनाया वो मानव निर्मित में आएगा, जैसे इमारतें कौन बनाता है, पार्क कौन बनाता है, सड़क कौन बनाता है, पुल कौन बनाता है, ठीक है, उद्योग कौन बनाता है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, मानव निर्मित। अब इनमें से पूछ ली भाई, निम्न में से मानव निर्मित घटक है कौन सा है, तो यहां आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना होगा। फिर है कि मानव, अब मानव से संबंधित कौन सा, मानव स्वयं है, खुद भी मानव है, और मानव करता क्या है, एक व्यक्ति भी है, एक व्यक्ति भी है, एक व्यक्ति के बाद में अगर हम बात करें तो उसका परिवार भी है, उससे क्या बनता फिर, परिवार, परिवार के बाद में क्या है, समुदाय, समुदाय के बाद में धर्म, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, शैक्षिक क्रिया है, शैक्षिक है, किसमें आती हैं, शैक्षिक के बाद में आर्थिक भी है, तो आर्थिक यानी व्यवसाय भी है, व्यवसाय कौन करता है, मानव करता है ना,
व्यवसाय कौन करता है? मानव करता है। राजनीतिक भी इसमें आती है, किसकी? राजनीतिक, है ना। तो ये जो आदि क्रियाएं हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं? मानव से जुड़ी हुई हैं, और इनको मानव निर्मित और मानव जो संबंधित है इसको आप कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। क्या? सामाजिक, क्योंकि सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, सांस्कृतिक पर्यावरण। अब ये जो पर्यावरण है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है? मानव से जुड़ा हुआ है, तो मानव इनका निर्माण करता है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण को लेकर, पारितंत्र को लेकर के, मानवीय पर्यावरण को लेकर के, और संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आज इतनी सी बात थी, इसको समझना बहुत जरूरी था। धन्यवाद, नमस्कार।